वेलकम टू माई यूट्यूब ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ और मेरा बेबी भी उठ चुका है। आज है विश्वकर्मा पूजा और मैं घर पर हूँ अकेली, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं है घर पर और भाई भी नहीं है। वो लोग मतलब मोतिहारी गए हैं, आगे मैं बताऊँगी मतलब क्यों गए हैं वो। आगे फुल इन तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट में मैं बताऊँगी, लास्ट में नहीं बीच में मैं बताऊँगी कि क्या हुआ है मेरे भाई को और वो लोग मोतिहारी क्यों गए हैं। आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे से कुछ गलती हो रही होगी तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधार करूँगी। और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैंने घर का सारा काम कर दिया है और झाड़ू वगैरह सब मैंने लगा दिया। अब मैं जाती हूँ खाना बनाने, क्योंकि 7 बज रहे हैं तो खाना बना देती हूँ, क्योंकि और पूजा वगैरह भी करना है, घर पर कोई नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या क्या करना पड़ता है मेरे को और क्या क्या काम बाकी है, मतलब वो सब भी करना है। तो मैं आलू प्याज और चना मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई करना, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे बनाती हूँ आप लोग को भी। चावल निकाले और चावल मैंने 3 कप लिया है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं तो ऐसे बाकी लोग रहते हैं तो मम्मी 4 या 5 कप बनाती हैं। ऐसे बस हम और मेरी दादी हैं और मेरे हस्बैंड आएंगे तो 3 कप मैंने चावल लिया है। मेरे चावल भी एक तरफ बन रहा है, मैंने दूध उबालने के लिए रखा था तो दूध मैं फाड़ रही हूँ, तो 2 चम्मच मतलब दही का पानी डाल दिया जाता है तो दूध फट जाता है, तो मैंने 3 या 4 चम्मच दही का पानी डाला है इसमें। और सब्जी रेडी करके मैं रख दी हूँ, प्याज को थोड़ा पानी में रख दी क्योंकि बहुत काटने में बहुत उसका वो लगता है ना, आँखों में लगता है इस वजह से। जब चावल हो जा रहा तब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि चावल मेरा बन रहा है। आज घर कितना सुनसान लग रहा है ना, जब घर पर कोई नहीं रहता है तो लगता है यार कहाँ अकेले हम फंस गए। घर में जब लोग रहते हैं तो मतलब क्या करें, मिस कर रहे हैं मैं सबको।
सबको ही रहता है तो मतलब टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। अभी अकेली हूँ तो लग रहा है क्या सुबह का कट ही नहीं रहा है। तो सुबह में तो मम्मी सारा सब मतलब सारा कुछ मम्मी ही करती है, मैं बस बेबी का ध्यान रखती हूँ। सुबह बस उठती हूँ तो बेबी उठा रहता तब उठती हूँ, नहीं तो अगर सोया रहता है तो रात में कहीं जगा रहता तो मैं रात में भी सो जाती हूँ। दिन में भी सब चीज़ मम्मी करती है, खाना बनाना झाड़ू वगैरह सब कुछ। अभी नहीं है तो सब करना पड़ रहा है मेरे को, करने में कोई दिक्कत नहीं है बट मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह आके वही उठाती थी हम दोनों को, बेबी को भी और मेरे को भी। अभी तो 5-6 दिन लग जाएगा मम्मी को, मम्मी बोल रही थी फ़ोन करके क्योंकि मेरे भाई का थोड़ा हालत थोड़ा सीरियस है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया तो ऑपरेशन करके मतलब रॉड होता है ना वो लगेगा उसके हाथ में तब जाके सही होगा उसका हाथ, नहीं तो वैसे सिर्फ प्लास्टर से सही नहीं होगा, रॉड लगेगा और तब स्ट्रिचेस वगैरह लगेंगे हाथ पे। तो 6 मंथ तक वैसे ही रहेगा, उसके बाद 6 मंथ के बाद फिर ऑपरेशन करके उस रॉड को अगर सही हो गया होगा तो निकाल दिया जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था जहाँ बेबी हुआ था वहीं पर मम्मी उनको लेके गई है, क्या नाम है विनीता वर्मा, मेरे डॉक्टर जो है ना विनीता वर्मा है मोतिहारी में ही है, उनके बेटे हड्डी के डॉक्टर हैं तो उन्हीं के पास लेके गई है क्योंकि हम लोग का फैमिली डॉक्टर वो है तो वो बहुत अच्छा इलाज करती हैं, उनका बेटा भी बहुत अच्छा इलाज करता है तो इस वजह से मैंने प्रेफर किया कि वहीं लेके जाइए। यहाँ पता नहीं कैसे करेगा सब कैसे नहीं करेगा सब कुछ पता नहीं रहता है ना, अब वहाँ पर अपना है तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। फिर मेरे ससुर भी गए हैं और मेरा देवर है वो भी गया है यहाँ से और मेरा हस्बैंड है क्योंकि यहाँ दुकान पे भी रहना ज़रूरी है काम भी है, तो इसलिए पापा ने कहा कि तुम रहो यहीं पर कि हम और रोहन जाते हैं तो हम लोग देख लेंगे, इसलिए प्रे कीजिए मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं उसको भी। मैं रहता है तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ऐसा नहीं है तो मन नहीं लगता है सुबह में, या सुबह में उठ जाएंगे तो अरे आज जल्दी उठ जाए सुत्ता नहीं है ये तो थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। बहुत दर्द कर रहा था उसको कल, चेहरा उसको इतना उतर गया था ना, बहुत दर्द कर रहा था उसको। बस प्रे करती हूँ जल्दी से ठीक हो जाए मेरा छोटू सा भाई। ये देखिए मेरा चावल बन गया और दूध भी एकदम बढ़िया तरीके से फट गया है मेरा। मैं सोच रही हूँ पनीर निकाल लूँ या मतलब चीनी डाल के वो खोआ होता है ना वो बना दूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मैं वही बना देती हूँ, आएंगे तो खा लेंगे वो, मुझे ज़्यादा दूध पसंद नहीं है तो मैं दूध ज़्यादा खाती नहीं हूँ। हाँ ये सब जो खोआ वगैरह मतलब निकाला जाता है वो मैं थोड़ा मतलब खा लेती हूँ।
जीरा तो डाल देंगे, उसके बाद डालेंगे प्याज। मेरा प्याज भुना गया है और मैं ये अब चना और आलू डाल दूंगी साथ में। चना आलू मैंने डाल दिया, अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक, उसके बाद में बाकी मसाले डालूंगी। इसमें मैंने हल्दी नमक डाल के चला दिया है। मैं सब्जी मेरा भुजा गया है और मैं ये कुछ खड़े मसाले मतलब पीसने जा रही हूँ, पीस के मैं डालूँगी सब्जी में। ये लहसुन है, अदरक, जीरा, लौंग, इलायची, फिर काली मिर्च है और जो जो खड़े मसाले लगते हैं वो सब खड़े मसाले मैंने रखे हैं, गरम मसाले। अब मैं पीस लेती हूँ इसको। मसाला पीस के डाल दिया है, अब मैं लाल मिर्च डालूँगी और मेरा ये बन भी रहा है साथ में। मसाला सब डाल दिए, थोड़ा सा ये भुजा जाए सब्जी, उसके बाद मैं पानी लगाऊंगी, फिर सीटी लगा दूंगी 2 या 3 सीटी। और ये भी मेरा बन चुका है, इसलिए मैं इसको गैस ऑफ कर दे रही हूँ क्योंकि बन के रेडी है अभी तक। अब ये थोड़ा सा 10 मिनट का और है बन जाए, फिर बेबी उठ गया, उसके पास भी जाना है, उसको भी देखना है। सब्जी मेरा भुजा गया, मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, सब्जी के हिसाब से पानी डालना। मैं सीटी लगा दिया है, अब 1 या 2 सीटी लगेगा तो मैं बंद कर दूँगी, इसकी सब्जी बन जाएगा मेरा।